अघाड़ी में सीएम फेस को लेकर फिलहाल उद्धव ठाकरे के चेहरे पर मोहर नहीं लगी है। ऐसे में इसी बीच एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने ये दावा किया है कि कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी एसपी उद्धव ठाकरे की पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में ये गठबंधन भी टूट जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरा में नए मेडिकल कॉलेज और अन्य परियोजनाओं का निरीक्षण किया। इस कार्यक्रम को लेकर सांसद सुदामा प्रसाद ने सीएम के सुरक्षा गार्ड पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में मुझे मुख्यमंत्री के कमांडो ने तीन तीन बार धक्का देकर वहां से भगा दिया। उन्होंने कहा कि कई बार उनसे मिलने और गुलदस्ता देने का प्रयास किया, फिर भी मुझे उनके कमांडो ने धक्का देकर वहां से हटा दिया। हरियाणा के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता कर्णदेव कंबोज ने भाजपा के अपने इस्तीफे पर कहा कि मैं और मेरा परिवार तीन पीढ़ियों से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। पार्टी ने भी मुझे सम्मान दिया था, लेकिन मेरी लड़ाई इस बात से है कि भाजपा जो एक समय में अनुशासित पार्टी कहलाती थी, उसमें अब कांग्रेस की संस्कृति आ गई है। कल पार्टी में कुछ लोगों को शामिल किया गया और शाम को उन्हें टिकट दे दिया गया। दूसरी ओर मेरे जैसा व्यक्ति था जो लगातार पिछले 5 साल तक प्रदेश में पार्टी के लिए कार्य कर रहा था। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम नायब सिंह सैनी पर तंज कसा। करनाल सीट से विधायक बने सीएम नायब सिंह सैनी की सीट बीजेपी ने बदल दी है और इस बार उन्हें लाडवा से टिकट दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक करेंगे। इस दौरान संगठन को और अधिक मजबूत करने का वो मंत्र देंगे। बैठक में प्रदेश में चल रहे सदस्यता अभियान के अंतर्गत व्यापक स्तर पर सदस्यता ग्रहण करवाने पर जोर रहेगा। विभिन्न शासकीय कार्यों के साथ संगठन के लिए भी सीएम धामी निरंतर कार्य कर रहे हैं। भाजपा उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कुल प्राप्त मतों के 75% सदस्य बनाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग का सिस्टम 8 महीनों में ठीक करना है। IGMC और टांडा कॉलेज में अस्थायी तौर पर स्टाफ देने की बात की गई है। जो आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खुले हैं, उनमें ही स्टाफ भरा जाएगा। सभी पद जल्द भरेंगे। विधायक रीना कश्यप के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 8 माह के बाद किसी को भी शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। झारखंड उत्पाद सिपाही शारीरिक दक्षता परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अब ये परीक्षा 10 सितंबर को होगी। ये भी फैसला लिया गया है कि पलामू के चिरांकी हवाई अड्डा स्थित परीक्षा केंद्र पर कोई शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं होगी। वहां के शेष अभ्यर्थियों की शेष 6 केंद्रों पर 19 और 20 सितंबर को परीक्षा होगी। शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने कहा कि जनता के मन में जो चेहरा है, जनता उसे ही मुख्यमंत्री बनाएगी। कौन कितनी सीटें जीत रहा है ये बाद में तय होगा, लेकिन ये तय है कि MVA को बहुमत मिल रहा है। हमारा पहला काम है इस भ्रष्ट सरकार को हटाना। इसके बाद हम मुख्यमंत्री के चेहरे पर कभी भी चर्चा कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने आज वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की बीजेपी सदस्यता रिन्यू कराई। इसके लिए वो आडवाणी के आवास पहुंचे। इस दौरान उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी भी मौजूद रही। उनकी भी सदस्यता रिन्यू हुई है। बीजेपी देश भर में बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय सदस्यता अभियान चला रही है। पार्टी ने इसे राष्ट्रीय सदस्यता अभियान को संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 का नाम दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के नेता अनिल देशमुख के खिलाफ CBI के मामले पर महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने बृहस्पतिवार को बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व गृह मंत्री देशमुख ने उन पर एक झूठा मामला दर्ज करने का दबाव डाला था। CBI ने भारतीय जनता पार्टी के नेता को कथित तौर पर झूठे मामलों में फंसाने के लिए CBI ने देशमुख के खिलाफ मामला दर्ज किया है।